नए साल के जश्न में किसी भी तरह का खलल न पड़े और नागरिकों द्वारा कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन हो, इस उद्देश्य से शुक्रवार की रात होते ही पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रहा। इस वक्त पुलिस का हर चौराहे पर कड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने खुद सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा लिया, साथ ही लोगों से कोरोना नियमों का पालन करते हुए नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। शहर में नए साल के जश्न में किसी भी तरह खलल ना पड़े, इस उद्देश्य से 31 की रात पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दी। शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के निर्देश पर नववर्ष की पूर्व रात्रि पर सिटी की सड़कों पर कड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया। शुक्रवार रात करीब 8 बजे से ही प्रमुख चौराहों पर नाकाबंदी लगा दी गई और आने जाने वाले वाहनों और वाहन चालकों की जाँच होने लगी। इस दौरान जहाँ वाहन चालकों का ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट किया गया, तो वही थ्री व्हीलर और चार पहिया वाहनों की डिक्की आदि की भी तलाशी ली गई। चूंकि जिला प्रशासन और सीपी अमितेश कुमार पहले ही डीजे बंदी और रात को बाहर निकलने का समय तय कर दिया गया था और इस बारे में उचित जानकारी भी विभिन्न माध्यमों से शहरवासियों तक पहुंचा दी गई थी। हालांकि रात 12 बजे तक मूवमेंट की अनुमति होने से रात 8 बजे तक सड़कों पर वाहनों की आवाजाही दिखती रही। इस वक्त बात करते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन हर तरह सज्ज है कि कोई भी अनुचित घटना न घटे, साथ ही कोरोना के नियमों का पालन नागरिकों की ओर से हो रहा है या नहीं, इस पर भी कड़ी नजर रखी गई। 31 के बारे में जो भी बंदोबस्त पुलिस विभाग की बहुत ही कड़क बंदोबस्त लगाई गई है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो गाइडलाइंस है उसकी लोग पालन करें, इसके लिए पुलिस विभाग पूरी तरीके से प्रयत्नशील है। कोई भी गैर कृत्य या गुनाह का प्रकार होगा उसके विरुद्ध पुलिस बहुत कड़क और बहुत सख्ती से पेश आएगी। आप सभी को और नागपुर शहर की पूरी जनता को मैं अपने तरफ से और पूरे पुलिस विभाग की तरफ से नवीन वर्ष की बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। इस अवसर पर उन्होंने शहरवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।